हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है रेडियंस के बारे में, इंट्रोडक्शन टू रेडियंस मेजर। ये जो एंगल मेजर करते हैं हम, जिसमें हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, पर SI यूनिट जो है एक्चुअल में मेजर करने के लिए मैथमेटिक्स में, वो है रेडियंस। तो इसमें हम बात करेंगे कि रेडियंस क्या है, उसका फुल कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वो कैसे आया और वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है रेडियंस जो है वो मेजर, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जिससे आपको डिग्री और रेडियंस के बीच में फ़र्क पता चल जाएगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा। और दूसरी बात है कि आपको ये जो डिग्री टू रेडियंस या रेडियंस टू डिग्री कन्वर्ट करने में ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं रेडियंस के बारे में समझने, पहले हम डिग्री मेजर क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो डिग्री मेजर कुछ भी नहीं है, डिवाइडिंग अ सर्कल आर्बिट्रली इन टू 360 पार्ट्स। एक सर्कल को मैंने लिया, ये एग्जांपल में दिखाया मैंने सर्कल, और इस सर्कल को आर्बिट्रली 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और वो जो एक एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। तो डिग्री मेजर कुछ नहीं है, सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड कर देना, वो है हमारा डिग्री मेजर, और वो जो हर एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है हमारा डिग्री मेजर। उसके बाद में बात करते हैं आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है? अगर आप सर्कल बनाना शुरू करें और यहाँ शुरू करते करते यहाँ पर आप अटक जाए, या आप सर्कल बनाते बनाते यहाँ पर अटक जाए, कहीं पर भी आप अटक जाए, या पूरा सर्कल ही बना ले, या आप सर्कल बनाते और अपने 1 रोटेशन हुआ, आप एक सर्कल बना तो उसके ऊपर भी आप कुछ भी रोटेशन करते, 2 रोटेशन 3 रोटेशन या 3.5 रोटेशन, अब जितना भी जहाँ पे भी आप अटक रहे हैं, वो जो होगा वो सर्कल का आर्क कहलाएगा। आपने शुरू किया, आप यहाँ पे अटक गए, या यहाँ पे अटक गए, या यहाँ पे अटक गए, या आपने पूरा सर्कल बना लिया, सर्कल बनाने के बाद भी आपने बनाना चालू रखा, जितने भी रोटेशंस बनेंगे वो जो रोटेशंस होंगे वो आर्क को रिप्रेजेंट करेंगे, आर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारा ये पूरा सर्कल होता है, ये जो हमारा पूरा जो ये सर्कल होता है, वो सर्कल के और ये फुल सर्कल का आर्क लेंथ को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। फुल सर्कल के आर्क लेंथ को हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, और उसका मेजर है आपको पता ही है 2πr। अगर मैं ये इक्वेशन में सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr को मैं r से डिवाइड कर दूं दोनों साइड में, तो हमको क्या मिलेगा? c/r इज इक्वल्स टू 2π। दैट इज इसका मीनिंग क्या है कि दैट इज सर्कमफेरेंस इज ऑलवेज 2π टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारा जो सर्कमफेरेंस है ये सर्कल का, या हमारे बोल सकते हैं फुल सर्कल का आर्क लेंथ जो है, वो 6.28 टाइम्स या 2π टाइम्स ज़्यादा होगा किसके? रेडियस के, रेडियस ऑफ द सर्कल के, जो इसको मैंने रिप्रेजेंट भी किया इस डायग्राम में। ये हमारा रेडियस है, मैंने शुरू किया यहाँ पे, यही सेम लेंथ ये है, ये जितना लेंथ है ये भी समझो ये 2 है, तो ये भी 2 है, ये सब 2 ही है। तो मैं रेडियस लिया और मैंने ऐसे में जब कट करना शुरू कर दिया, 2 सेंटीमीटर रेडियस है मेरा समझ लो, तो मैं आर्क लेंथ को 2 सेंटीमीटर में कट करते जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर अटक जाऊंगा, थोड़ा पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट मेरा बच जाएगा जो 0.28 को रिप्रेजेंट करता है। ये जो थोड़ा पार्ट जो बच जाता है, ये सारे 2 सेंटीमीटर है और ये थोड़ा पार्ट बच जाएगा, वो हमारा 0.28 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। या सिंपल भाषा में बोले तो जब हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है, या फुल सर्कल का आर्क लेंथ जो होता है, वो है 6.28 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इतना हमारा जो हमारा ये बेसिक्स होगा, इतना आप समझ ले, ये आपको क्या डिग्री मेजर क्या है, सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड करना, आर्क लेंथ क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है, और सर्कमफेरेंस इज ऑलवेज 2π टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज 6.28 टाइम्स। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम हमारे इस वीडियो के टॉपिक में, वो है रेडियंस मेजर। दिस ब्रिंग्स अस टू द न्यू एंगल मेजर, द रेडियंस इज द SI यूनिट यूज्ड टू मेजर एंगल्स इन मैथमेटिक्स। SI यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट, 1 रेडियन
इज द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल दैट इंटरसेप्ट्स एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. एग्जाम्पल, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है और इसका हम रेडियस मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है. ये जो टी इस सर्कल में, ये जो टी मैंने जो ड्रॉ किया है, ये जो एंगल मैं बता रहा हूँ, टी जो है, मैं यहाँ पे लिखा भी है, एंगल टी स्वीप्स आउट अ मेजर ऑफ 1 रेडियन. ये जो एंगल टी है वो 1 रेडियन दिखा रहा है इस सर्कल के मुताबिक, क्योंकि हमको बताया है कि 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल दैट इंटरसेप्ट्स, ये जो आर्क, ये जो है ना, ये इंटरसेप्टिंग होता है, इसको इंटरसेप्ट करना बोलते हैं. एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. 1 रेडियन होगा उस सर्कल का, वो क्या दिखाएगा कि उस सर्कल के रेडियस के बराबर, मतलब जो जो कट करेगा, वो जो आर्क लेंथ होगी, लेंथ ऑफ आर्क जो होगी, जहाँ पे ये एंगल 1 रेडियन जहाँ पे हमारा कट हो रहा है, 1 रेडियन डिनोट कर रहा है, वो हमारे लेंथ ऑफ रेडियस के इक्वल होगी. लेंथ ऑफ रेडियस के इक्वल होगी. उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. जो ये जो टी है, जो एंगल स्वीप कर रहा है, और जो ये इंटरसेप्ट, ये जो हमको आर्क लेंथ, ये जो आर्क मिल रहा है, ये जो इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होगी. 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा. ये 1 रेडियंस दर्शाता है और ये हर सर्कल में बदलेगा. मतलब अगर समझ लो, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो 1 रेडियंस कितना लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्ट करेगा? 3 सेंटीमीटर. अगर 4 है तो 4 सेंटीमीटर, 5 है तो 5 सेंटीमीटर. उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है. एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ. दिस ब्रिंग्स अस टू द न्यू एंगल मेजर. द रेडियंस इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर एंगल्स इन मैथमेटिक्स. 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल दैट इंटरसेप्ट्स एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. एंगल, ये जो डायग्राम है, एंगल टी स्वीप्स आउट अ मेजर ऑफ 1 रेडियन. नोट दैट लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब हमको पता है कि अ फुल सर्कल करस्पॉन्ड्स टू एन एंगल ऑफ 2π रेडियंस. तो 2π रेडियंस हमारा होगा 360, क्योंकि जो डिग्री है वो हम क्या कर रहे हैं कि एक सर्कल को 360 पार्ट में आर्बिट्रेली डिवाइड करना होता है 360 पार्ट्स में. और तो 2π रेडियंस, ये रेड जो है हमारा नोटेशन है रेडियंस के लिए, RAD रेड, 2π रेड, वो जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा. देयरफॉर 1 रेडियंस हमको क्या मिला? 1 रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2π और 180 डिग्री अपॉन π. तो इससे हमको 1 रेडियंस की फॉर्मूला मिल गई, वो क्या है कि 180 डिग्री अपॉन π. तो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 5 रेडियंस इंटू डिग्री मेजर. 5 रेडियंस है वो कितना डिग्री के बराबर होगा हमको वो दिखाना है. तो सॉल्यूशन है, बहुत ईजी है, कुछ होगा नहीं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा. हमको पता है कि 1 रेडियन जो है वो 180 डिग्री अपॉन π को रिप्रेजेंट करता है, पाई डिग्री को रिप्रेजेंट करता है. तो 5 रेडियंस क्या होगा? 5 रेडियंस कुछ नहीं होगा, ये इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है. इसका सॉल्यूशन मैं देख लेता हूँ, विच इज़ 900 डिग्री अपॉन π. पाई होता है हमारा 3.14, 900 अपॉन 3.14. इसका आंसर होगा 900 डिवाइडेड बाय 3.14, 286.62 डिग्री. ये हमारा 5 रेडियंस इतना होगा. ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन है, ये हमने किया था रेडियंस टू पाई, अब हम करेंगे डिग्री टू रेडियंस. रेडियंस टू डिग्री किया था, अब हम करेंगे डिग्री इंटू रेडियंस. तो कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियंस. तो 45 डिग्री, देखो यहाँ पे क्या है, 1 रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई. तो मुझे यहाँ पे 1 डिग्री लाना है, तो क्या होगा, देयरफॉर 1 डिग्री क्या होगा हमारा, 1 इंटू पाई अपॉन 180. देयरफॉर पाई अपॉन 180 इज 1 डिग्री. देयरफॉर 45 डिग्री कितना होगा? 45 डिग्री होगा पाई अपॉन 180 इंटू 45. 45 वन ज़ा, 45 फोर ज़ा, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. हमको पता ही है, बहुत फेमस है कि 45 डिग्री इज़ नथिंग बट पाई बाय 4.
ओके मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन से आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना भी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है। डिग्री टू रेडियंस में पाई अपॉन 180 है, रेडियंस टू डिग्री में 180 डिग्री अपॉन पाई है। ओके ये हमारा डायग्राम है, देखो 0 डिग्री और 2 पाई, पाई या 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, पाई बाई 2 90 डिग्री, 60 डिग्री है हमारा पाई बाई 3, 45 डिग्री हमने अभी फाइंड किया पाई बाई 4, 30 डिग्री होता है हमारा पाई बाई 6। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो, इंट्रोडक्शन टू रेडियंस मेजर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइक शेयर एंड रंग चेंज बदला लेते हैं सब्सक्राइब। बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे।